दिल्ली के मुकरबा चौक के पास आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भाग लिया। मुकरबा चौक पर रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाकर गुजर बसर करने वाले लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष को बुलाकर खुद की हो रही परेशानियों के बारे में बताया और इसके बाद मनोज तिवारी ने स्थानीय एसएचओ के साथ मिलकर हो रही परेशानियों को हल निकालने की बात कही और बाद में उस चीज का हल निकला तो वहां गुजर बसर करने वाले लोगों को बड़ी राहत मनोज तिवारी सांसद के इस प्रयास से मिली। जैसे ही लोगों ने अपनी समस्या मनोज तिवारी को बताई, इसके बाद मनोज तिवारी ने उनकी बातों को संज्ञान में लेते हुए बादली थाना एसएचओ अक्ष कुमार को कहा कि रेहड़ी पटरी वालों की परेशानियों को किस तरह से छुटकारा दिलाया जा सकता है। इस पर एसएचओ साहब की बात भी सुनी और एसएचओ ने भी बात का समाधान निकालते हुए और माइक अपने हाथ में लेकर दुकानदारों के प्रति सहानुभूति जताते हुए दुकानदारों को अपने दायरे में काम करने की अनुमति दी। उनके रोजगार उजड़ रहे थे, पीछे वो हमारे पास आए, हमने मामले की जानकारी ली। जिसके कारण हाईवे पे रेहड़ी पटरी लगाने से परेशानियां हो रही थी, हमने पुलिस के साथ बैठक की, इन लोगों के साथ बैठक की, ग्राउंड पे आए और एक रास्ता निकल गया कि एक मार्क हो गया, उसको ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे और उसको पार नहीं करेंगे और इधर जो जमीन अभी है उस पर इनका अगले कुछ समय के लिए उनका रोजगार चलेगा। दिल्ली सरकार जल्दी से जल्दी इनकी परमानेंट व्यवस्था कर दे, हम इसके पक्षधर हैं और यही एक छोटा सा रास्ता निकाल करके हम आप जा रहे हैं। देखिए, मेन जो हमारा आज का निष्कर्ष है कि अगर आप अरविंद केजरीवाल जी एयर कंडीशन से निकल करके थोड़ा सा इन लोगों के बीच में बैठेंगे तो बहुत सारे समस्याओं का समाधान। मनोज तिवारी, मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं जीटी करनाल रोड पे रेहड़ी पटरी लगाता हूँ, मैं यहाँ का प्रधान हूँ और आज मैंने मनोज तिवारी जी को यहाँ पे बुलाया था। मनोज तिवारी जी आए थे, हम लोग पिछले 1.5 साल से हम लोग बेरोजगार थे, उन्होंने सुन के हमारी बातों की, सुन के समस्या हल किया और हमारे लोग के लिए बहुत बड़ा एक फायदेमंद सिद्ध हुई। जो हम लोग बेरोजगार थे, भूखे प्यासे मर रहे थे, उसे पानी दी गई और हम लोग एक सहारे की उम्मीद थी, वो सहारा हम लोग को मिला। इसलिए मैं मनोज तिवारी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, बड़े बड़े दिल आदरणीय हूँ उनका। और जो काम होना चाहिए दिल्ली के सीएम के द्वारा, सीएम ने हम लोग की कोई समस्या हल नहीं की, ना ही हम लोग का कोई उनने सूद ली। हम लोग पिछले 1.5 साल से हम लोग कर्जा खा के, कर्जा लेके, भूखे प्यासे रह के हमने संघर्ष किया। हम सारे लोग रेहड़ी पटरी वाले, हम 27 लोग हैं यहाँ, जो कि सारे भूखे में हम लोग का साथ दिया, एक साथ हम संघर्ष किए और जीते। हम लोग को मनोज तिवारी जी ने आज कहा जो आप लोग पीछे लगा लें, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे, एसएचओ साहब, उन्होंने उनके सामने उनको कहा जो भाई आप पटरी को छोड़ के, रोड को छोड़ के आप पीछे लगा सकते हैं, तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा ये फायदेमंद सिद्ध है। जो कि हम लोग भूखे मर रहे थे, उससे हम लोग को एक बड़ा, बहुत बड़ा फायदा मिला।